अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चौधरी ऑटो ट्रेडर एंड वेलकम विद अनदर ब्लॉग। आज की सुबह का आगाज़ कुछ इस तरीके से हुआ है कि कुछ सुबह मैंने माल वगैरह परचेज़ करने थे तो मैं डायरेक्ट चला गया पहले सदर। इसके अलावा कुछ ऑयल वगैरह थे उसके लिए मैं कंपनी वगैरह में गया एक दो, तो वो परचेज़ किए। उसके अलावा कुछ ऑर्डर किया हुआ था वो माल अभी आ गया है। और सुबह से रूटीन इस तरह है कि कुछ जिक के ऑयल वगैरह डिलीवर किए हैं इस्लामाबाद में। हमारे बड़े अच्छे कस्टमर हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे रिलेटिव हैं, तो उनको कुछ वो इस तरह करते हैं कि पूरे कॉटन ही मुझसे परचेज़ कर लेते हैं और साथ पाँच गैलन ऑयल के उनके पास 150 मीरा गाड़ी है और साथ कुछ एयर फिल्टर 5, तो वो तकरीबन ऐसा होता है कि उनका 6-7-8 महीनों का या तकरीबन 1 साल तक का स्टॉक उनके पास आ जाता है, तो वो उनको डिलीवर किया है इस्लामाबाद के लिए। इसके अलावा बल्कि अभी पैक हुआ वो पड़ा हुआ है, अभी उनको डिलीवर करेंगे। इसके अलावा कुछ यहाँ पर एक्सएलआई गाड़ी के लिए बैरिंग वगैरह दिए हैं, फ्रंट व्हील के वो दिए हैं, और उसके अलावा कुछ सिलेंडर वगैरह था। अच्छा, एक और कंपनी है उनके साथ हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नाम मैं नहीं लूँगा अभी इधर, लेकिन ये कि उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है और वो मुझसे 7-8 गाड़ियाँ उनकी वीगो गाड़ियाँ हैं, कुछ सुजुकी बोलान हैं, कुछ इस तरह एक्सएलआई वगैरह हैं, तो उनके साथ हमारा ठीक है। उनको कुछ सामान डिलीवर करना था तो वो सामान डिलीवर किए। इसके अलावा एक और कंपनी थी उधर, यारस गाड़ी थी, टोयोटा यारस, उसके लिए फ्रंट ब्रेक पैड थे वो डिलीवर किए अभी, तो सिलसिला ऐसा चल रहा है। तो मैं ज़रा कुछ माल वगैरह परचेज़ करने की वजह से थोड़ा आज शॉप पर लेट आया हूँ, लेकिन अभी आपके साथ शेयर करता हूँ जो हमारे माल अभी आए हैं और जो हमने डिलीवर किए हैं। तो ये जी जिक ऑयल हमारा कुछ स्टॉक में थोड़ा आया था। अच्छा, इसमें एक कॉटन जो है ये हमारे उस कस्टमर के लिए इस्लामाबाद के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेरा ऑर्डर और भी था, वो है होंडा ऑयल वगैरह हमारे पास कुछ स्टॉक में कम थे, वो कॉटन अभी आए हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा ब्रेक पैड कुछ हमारी डिमांड थी, ये सारे अभी आए हैं। ये टायराड एंड है जी एक्सएलआई गाड़ी के लिए, आउटर टायराड एंड होते हैं ये हुए हैं। इसके अलावा ये कुछ मैंने आपको कहा था कि हमने सामान अभी कुछ मेरा जो कंपनी है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो उनको ये सामान डिलीवर, आधा सामान तो ले गए हैं जिसमें ब्रेक आयल वगैरह थे। अच्छा जी, हमारे पास ये अभी गाड़ी आई है जी, ये हमारे अरबाब साहब हैं जी बाइकों वाले, कल भी सामान ले गए थे बाइकों पम्प वाले, कल भी सामान ले गए थे और आज फिर आए हैं जी। इनकी गाड़ी के ब्रेक पैड कमज़ोर हैं, कल मोबाइल फ़िल्टर वगैरह लिया था, आज ब्रेक लेदर हमने खोले हैं तो ब्रेक पैड बिल्कुल कमज़ोर हैं जी। ये पोजीशन है इस वक्त की, ये लेदरों की पोजीशन आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म है। इसके अलावा ड्रम थे, ड्रम भी पॉलिश मांगते हैं तो वो पॉलिश के लिए हमने भिजवा दिए हैं, ड्रम की पॉलिश होगी और फिर जैन में लेदर डालेंगे। इसके अलावा ऐसे कैलिपर वगैरह के ये बूट होते हैं, ये भी साफ़ करेंगे और फिर पिछले ब्रेक पैड ये भी खोलेंगे, ये भी चेक करेंगे। और ये भी एक और साथ हमारे पास हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये भी आए हुए हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनकी गाड़ी की भी ब्रेक पैड में थोड़ा मसला है, कुछ आवाज़ वगैरह है तो इसका भी अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं। इनके लिए हम भी हमने ड्रम भी मंगवाए हैं और साथ कैलिपर भी मंगवाए हैं, ड्रम डालेंगे कैलिपर डालेंगे और साथ बिल्कुल नए इसमें जेन्युइन ब्रेक पैड देंगे टोयोटा के ओरिजिनल। तो जेन्युइन ब्रेक पैड हमारे पास जो हैं ये आपको बता देते हैं कि ये वाले डालेंगे हम इसमें जेन्युइन ब्रेक पैड, ठीक हो गया। तो ये दो गाड़ियाँ इस वक्त हमारे पास आई हुई जी, दोनों में हम इंशाल्लाह ये जेन्युइन ब्रेक पैड देंगे और साथ ड्रम की कोई पॉलिश वगैरह है वो भी करेंगे। ये सूरत हाल है इस वक्त। अच्छा, अभी एक और हमारे कस्टमर है, उस्ताद है हमारे बड़े अच्छे यहाँ के रिंग रोड के, उनकी डिमांड थी शॉक गुटके की, ये शॉक के ऊपर लगते हैं, गुटका होता है ऐसा, ये गुटका होता है, इसके अंदर बैरिंग्स होते हैं अंदर की तरफ, वो टूट जाते हैं जिसकी वजह से आवाज़ आ जाती है, ठीक है। ये इसके अंदर बैरिंग है, इस बैरिंग के अंदर जो छरे से होते हैं वो टूट जाते हैं जिसकी वजह से प्ले पैदा हो जाती है, तो ये शॉक पे लगते हैं ऊपर ही गुटके, ये भी हमने भिजवाए हैं, हमारे बड़े अच्छे कस्टमर थे उनके लिए। तो ये अभी चल रहा है, कुछ अभी इनके लिए ड्रम मंगवाए हैं हमने सुबह से सेकेंड हैंड, वो कह रहे मैं डालूंगा, नए नहीं डालना चाह रहे, वो कह रहे सेकेंड हैंड डालूंगा, तो ड्रम हमने सेकेंड हैंड मंगवा लिए और ब्रेक पैड हम इसमें जेन्युइन डालेंगे। अच्छा जी, ये जी अभी अरबाब साहब की गाड़ी के पीछे लेदर खोले हुए हैं तो ये चेक करते हैं, पीछे वाले जो हैं वो पोजीशन अच्छी है, भी ठीक है,
उसको साफ करके ही लगाएंगे वापस। फ्रंट ब्रेक पैड हमने ड्रम भी किए हैं, पॉलिश भी किए हैं, उसके बाद लेदर हमने तब्दील कर दिए और रेयर जो है वो अभी ठीक है, साफ करके उसको वैसे ही दोबारा वापस लगाएंगे। यार बाप साहब, ये गाड़ी जो है वो तो तैयार हो गई है, हमारे जो सामने थे बाइको पंप वाले, और अभी एक और जो मेरे अच्छे कस्टमर हैं इनकी ड्रम हमने मंगवाने दिए थे और साथ फ्रंट ब्रेक पैड थे, तो वो भी सुबह से आ गए नए ड्रम, और इसमें भी हम ब्रेक पैड डाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये गाड़ी भी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। तो ये ड्रम वगैरह बहुत ज़रूरी थे। अच्छा जी, तो ये काफ़ी सारा सामान अभी आज साथ लेके आए हैं, जिसमें होंडा का बम्पर है, इसके अलावा जी प्राडो की ब्रेक शूज, हैंड ब्रेक शूज है जेन्युइन 16 वाल की प्लग्स हैं, लैंड प्राडो के और विगो के ये रिवो के फ्रंट ब्रेक पैड्स हैं, इसके अलावा V8 लैंड क्रूजर के ब्रेक पैड्स हैं, और विड्स 1KR इंजन के लिए, एक्सियो के लिए, दो तीन गाड़ियों में लगते हैं ये, एक्सियो में भी लग रहे हैं ये ब्रेक पैड E3, और विड्स में भी आ रहे हैं, प्रियस में भी आ रहे हैं ये ब्रेक पैड जेन्युइन आए हैं। इसके अलावा पेट्रॉन ऑयल हमारे पास थोड़ा शॉर्ट था, पेट्रॉन 2050 ये भी आ गया है, सही हो गया। अच्छा, हमारे पास हब्स कुछ पिछले हफ्ते रिबॉन की और एक्स करोला की और 2010 करोला की, ये काफ़ी रीस्टॉक वगैरह हो गए हैं सारे रिबॉन की भी, इसमें मुख्तलिफ गाड़ियों की। रिक आयल तो कल ही आ गया था आपके साथ सामने है, इसके अलावा होंडा का ऑयल था, ये काफ़ी क्वांटिटी में था, अभी स्टॉक हुआ ही थी, ठीक हो गया है ये चीज़ें। इसके अलावा जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ हम करते हैं शेयर, ये भी लोटस के ब्रेक पैड से मुख्तलिफ गाड़ियों की, ये भी काफ़ी स्टॉक हो चुके हैं। अच्छा, ये गाड़ी हमने कल खोली थी जी, इसमें फ्रंट ब्रेक पैड और हमने इसमें हब बदलाए थे, आज इसमें जी थोड़ा स्टेयरिंग बक्से में काम है इसकी, इसका स्टेयरिंग बक्सा भी खोलेंगे जी, उसमें थोड़ा थोड़ी सी आवाज़ है, और पिछले ड्रम की में भी कोई आवाज़ है, ड्रम भी बदलेंगे, उसके ब्रेक पैड ही बदलेंगे। तो कल फ्रंट में थोड़ा खाली हमने काम किया था, आज स्टेयरिंग बक्से में काम है और पिछले लेदर बदलने जी। अभी इसमें हम 2012 चलाई, इसमें हम ये जेटलिंग चमटे की बोश हैं, चारों कट बोश हैं, टेराड हैं, और ये स्टेयरिंग बक्स है कम्प्लीट, तो ये भी हम इसमें डालेंगे। ये हमारे डॉक्टर साहब की गाड़ी है जी, 2012 मॉडल है, इसमें ये स्टेयरिंग बक्सा है कंप्लीट, चमटे के बुश सारे बदला रहे हैं, कट बुश है, टायरॉड एंड है, मुकम्मल स्टेयरिंग बक्स डाल रहे हैं, फिर इंशाल्लाह रेयर खोलेंगे, फिर रेयर में चेक करते हैं क्या काम है। इरेडियम प्लग है 16 वाल की जी, एक्सएलआई गाड़ी के लिए 2012, ये इरेडियम है और ये वाले सादे हैं, अभी हमारे बड़े प्यारे कस्टमर आए हैं जी, मर्दान से आए हैं, और ये अभी करोला के फ्रंट और रेयर ब्रेक पैड लेके जा रहे हैं, बाहर बैठे हुए जी अभी, तो मर्दान से आए और स्पेशल चौधरी ऑटो के लिए आएंगे जी, यहाँ से हम लेके जाएंगे, तो कहते मैं ख़ास पेशावर आया हूँ और किसी काम से, और मैंने कहा ये ब्रेक पैड भी यहाँ से लेके जाऊँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इनकी बहुत मेहरबानी, और हमारे ऊपर का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी भी इस ट्रस्ट को इंशाल्लाह ख़राब नहीं करेंगे, और जो बड़ों ने एक नाम बनाया उसको कायम रखेंगे इंशाल्लाह। तो ये जेन्युइन ब्रेक पैड लेके जा रहे हैं। अच्छा, हमारे बड़े अच्छे उस्ताद अभी यहाँ पर आए हैं जी, और हमसे ये हमारे साथ वाले हमसाए भी हैं ये, इनके पास मर्सिडीज़ गाड़ी है 90 मॉडल है, तो उसके लिए शेल ऑयल ले जा रहे हैं 7 लीटर, और 7 ट्रांसमिशन ऑयल आइसिन कंपनी का ट्रांसमिशन ऑयल ले जा रहे हैं 7 लीटर। हमारे हमसाई भी हैं, इनका शोरूम है यहाँ पर, तो उनको भी हम ये दे रहे हैं, और बहुत ही ट्रांसमिशन आई है एसएन कंपनी का, बहुत प्यारा ट्रांसमिशन आई है ये, रिलायबल कंपनी है, इसको आप चेक कर सकते हैं नेट पर भी, और शेल का आयल 90 मॉडल है, इसलिए डालते हैं 2050 का शेल आयल, तो ये भी इनको अभी हम दे रहे हैं।
अच्छा तो अब अपने ब्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव ब्लॉग आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। इसके लिए हमारे पेज को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव ब्लॉग मिलते रहें। इसके अलावा भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है उसमें कॉल कर सकते हैं और आप डिलीवरी भी करवा सकते हैं जो सामान आपको चाहिए हो, और किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हो तो वो भी आप ले सकते हैं। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।